मतलब एक शर्म का मुकाम है हमारी हुकूमतों के लिए कि एक रोड बनाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है, अपनी तिजोरियां भरने के लिए पैसा है और अपनी रोडें भी जो है वो अपने शहर कराची जो कि सबको पालता है, पाकिस्तान को चलाता है, और इसकी रोड बनवाने के लिए बाहर का इदारा वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसे दे रहा है, लेकिन हमारी हुकूमतों के पास सिर्फ अपना पेट भरने के लिए पैसे हैं, गरीब आवाम को जो है वो सहूलत फराहम करने के लिए कोई पाई पैसा नहीं है। अब अगर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में दिखाऊँ, ये आपको सारी नई हुई है ना, ये ज़्यादातर न्यू कंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पे जो है वो कोई भी एक फ्लोर अगर डाल देगा ना तो सिंध हुकूमत का इदारा फौरन जो है वो बग़ैर बुलाए पहुँच जाएगा और उसकी ऐसी तैसी कर देगा, रिश्वत ले लेगा, लेकिन जब काम होते हैं आवाम की फलाह के वो नहीं करने इन लोगों ने। ये अजीज़ाबाद की रोड है जो कि पूरे अजीज़ाबाद एक नंबर से लेके 8.5 नंबर तक जाती थी, वो काफ़ी अरसे से तकरीबन 4-5 साल से जो है वो खस्ता हाली का शिकार थी, रोड टूट फूट का शिकार था, जगह जगह गड्ढे थे, यहाँ पर लोगों को बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती थी आने जाने में गड्ढों की वजह से। एक वक्त था, एक सियासी जमात का उरूज था जब इस इलाके में या इस रोड पे जो है वो कोई एक गड्ढा नहीं होता था, इलाके में जो है वो सेवरेज का कोई मसला नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी। अब जब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि आबादी बढ़ने की वजह से सेवरेज के मसाइल हो गए हैं, रोडें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, तो अब जो है वो इस रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। पैचेस जो है वो जगह जगह बनाए जा रहे हैं और पूरी रोड मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई जा रही, पैचेस जो है वो सिर्फ डाले जाएंगे। ये पूछना था कि ये मतलब जो रोड बन रही है ये केएमसी डीएमसी किसकी तरफ से बन रही है? हाँ, वर्ल्ड बैंक। खैर है। अच्छा, जो ठेकेदार मुझे मिला है ना वो कैमरे पे तो नहीं आ रहा था, मैंने 2-3 इंजीनियर से भी जो है वो बात करने की कोशिश करी, लेकिन कैमरे पे आके कोई भी जो है वो डिटेल देने से मना कर रहा है, और मुझे जो है वो ऑफ कैमरा बताया है कि ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से काम किया जा रहा है जो कि पैच वर्किंग है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। तकरीबन बता रहे हैं 25 से 30 ऐसी रोडें हैं अंदरूनी जहां पे पैच वर्किंग होनी है, और ये एक अजीज़ाबाद की रोड भी उसमें शामिल है और दूसरी भी जो है वो काफ़ी रोड्स यहां की शामिल है जो कि खस्ता हाली का शिकार थी। यह आप देख सकते हैं तरह से ये काम चल रहा है यहाँ पर, तो 35 मिलियन तकरीबन बताए जा रहे हैं कि 35 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है पूरा, सिर्फ एक रोड का नहीं, जहाँ पे पैच वर्किंग होनी है। अब वर्ल्ड बैंक जैसा भी इदारा, वर्ल्ड बैंक जैसा बड़ा इदारा भी जो है वो यहाँ पर आके इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा या इतनी जो है वो फैसिलिटी नहीं दे रहा हुकूमत को, आवाम को, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है, और सिर्फ पैच वर्किंग करवा रहा है, उसमें जो है वो थर्ड पार्टी रखी गई है। ए ई है एक इदारा क्लिक बताया है मुझे वो है, उसके बाद केएमसी को भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है, इसके साथ साथ जो है वो और भी इदारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं जो कि तमाम तर काम उनके तहत हो रहा है। ये देखें आप पैच इस तरह से जो है वो जगह जगह इस पूरी रोड पे अजीज़ाबाद एक नंबर से लेके 8.5 नंबर तक ये रोड जारी है, तकरीबन अजीज़ाबाद 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और फिर 8 नंबर 8.5 नंबर तक दस्तगीर तक, तो ये जगह जगह जो है वो इस तरह से पैचेस बनाए गए हैं। और यही रोड जो है मैं आपको दिखाऊं तो पैदल भी इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ पे भी जाती है जिसकी वजह से लोडिंग गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर मौजूद है एक ठेकेदार, वो जो है वो कैमरे पे आने से उसने मना किया, लेकिन उससे जो मैंने डिटेल ली है तो उससे ये पता लगा है कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो ये काम हो रहा है, मतलब अब हमारे इदारे या हमारी हुकूमत रोडें बनाने की जो है वो उसमें सकत नहीं है बिल्कुल, उसके बाद पैसे नहीं है या वो नहीं चाहते हैं रोडें बनाना।